हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो बस मेरा ये लास्ट डे था आज पेरिस में। अब मैं पेरिस से नीस जा रहा हूँ। ये अभी मैं यहाँ से अपना रूम लॉक किया है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और फिर मैं अभी पेरिस से नीस जाऊँगा। यहाँ से जो तकरीबन 5 घंटे 45 मिनट की ट्रेन है, तो फिर चलिए आपको एक और नए शहर से शहर घुमाते हैं। नीस फ्रांस, जो सदर्न फ्रांस में है। देखिए, यहाँ पर पानी रखने की, पानी भी दिया हुआ है, जितना मर्जी पानी भरो। यूरोप में एक ही चीज़ फ्री है और वो है पानी। तो मैंने चेकआउट कर लिया गाइस। तो मैं गार दे लियोन, जो यहाँ का स्टेशन है बहुत बड़ा, वहाँ की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा नीस की। बहुत ही मेरा कंफर्टेबल स्टे रहा, बहुत ही अच्छा होटल था। ऑल दो बिट एक्सपेंसिव बट वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी इंजॉयबल, रियली इंजॉयड। गाइस, मैं पहुंच गया हूँ गार दे लियोन स्टेशन, जो आई थिंक पेरिस का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। देखिए कितना क्राउडेड है। और कितना खूबसूरत है ये ट्रेन स्टेशन। पूरा 1 घंटा जल्दी आ गया, सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना सिट एंड वेट। हॉल टू, मेरी ट्रेन जो है वो हॉल टू से जाएगी 10:10 पे नीस के लिए। मैंने ये कॉफ़ी और क्रोसॉन लिया है, मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगा। यहाँ फर्स्ट क्लास बैठने की जगह बनी हुई है। तो हम मैं जा रहा हूँ हॉल टू की तरफ। अभी मैं हॉल वन पे था, जहाँ मैंने कॉफ़ी और क्रोसॉन वगैरह खाया अपना ब्रेकफास्ट। अभी मैं हॉल टू की तरफ जा रहा हूँ। देखिए पूरे शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर। इतना ब्यूटीफुल है यार पेरिस में सब कुछ, इवन ट्रेन स्टेशन भी देखो जरा। टिकट्स वेंडिंग मशीन, शॉप्स, हर तरह के आप कुछ भी चीज़ खरीदनी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेस्प्रेसो का भी शोरूम है, फेमस ब्रांड सफोरा। कॉफ़ी शॉप्स की तो भरमार है यहाँ पे, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, कॉफ़ी शॉप। जब मैं ज्यूरिख से पेरिस आया था तो मैं आई थिंक हॉल टू में ही आया था। यस, यहीं पर ही आया था मैं। चलिए चेक करते हैं अगर मेरा हॉल टू, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया किस प्लेटफॉर्म से जाएगी ना, सिर्फ हॉल टू बताया हुआ है।
अभी मैं देख रहा हूँ बोर्ड में, अभी तक मेरा ट्रेन प्लेटफॉर्म में अनाउंस नहीं हुआ है। सेकंड लास्ट है मेरी ट्रेन, 10:10 सवेरे नीस के लिए। हॉल नंबर 2 में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। कॉफ़ी और क्रोसन खा के बिल्कुल तैयार हूँ इस जर्नी के लिए, जो जर्नी टाइम लिया हो गया 5 घंटे और 45 मिनट का। और ये देखिए ब्यूटीफुल गार दे लियोन ट्रेन स्टेशन पेरिस का। और ये देखिए कितनी लंबी लंबी ट्रेनें हैं यहाँ पर सारी, जो हर कोने में लेके जाएंगी आपको यूरोप के। यहाँ से जब मैं ज्यूरिख से आया था तो इसी ट्रेन स्टेशन में आया था। ये देखिए मैं वेट कर रहा हूँ अपने, जैसे मेरा प्लेटफॉर्म अनाउंस होता है वहाँ जाके आराम से ट्रेन में सेटल डाउन होऊंगा, बैठूंगा और फिर आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी टू नीस। नीस पहुँच के आपसे फिर से बात करता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीस। मैंने अभी अपने एयरबीएनबी में चेक इन किया है और अब मैं थोड़ा वॉक के लिए निकला हूँ। हालांकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल मेरे एयरबीएनबी के 2 मिनट में ये वॉक था बीच का, तो मैंने कहा चलो जब तक एक राउंड मार के आते हैं, देखें कैसा है यहाँ का बीच। देखिए कितना सुंदर है नीस। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, एकदम बीच का मौसम है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, फर्स्ट टाइम मैं किसी मेडिटेरेनियन सी के पास आया हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं देखा है। कितना ब्लू है पानी, फ्रांस ने रियली मेरे को सरप्राइज किया है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने। इतनी सुंदर कंट्रीज हैं दोनों, ओह माय गॉड, ये मस्ट विजिट है लाइफ में तो एक बारी। ये देखिए गाइस क्या नज़ारा है, कितना ब्यूटीफुल है नीस। पर ये यहाँ पर सैंड नहीं है, यहाँ पर ये पेबल्स हैं,
देखिए, तो आपको कुछ बैठने के लिए लेके आना पड़ेगा। आई थिंक मेरे एयरबीएनबी के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ लेके जाना, लेकिन मेरा प्लान था मोंटी कार्लो जाने का, लेकिन वो दोनों ट्रेन ही कैंसिल हो गई हैं जो, इसलिए मैं, और वैसे भी बहुत टाइट है अभी इस समय रात को जाना, आई डोंट नो वेदर आई कुड बी एबल टू कम बैक टू नीस और नॉट, तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। फिर कल या परसों देखेंगे शाम को। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एकदम नीला पानी है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैठता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा दोबारा। टेक केयर ऑल गाइस। ये मेरा एयरबीएनबी है जिसमें मैं 3 रात रुकने वाला हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया दे दूँ। ये देखिए, ये नीट एंड क्लीन, इतना बढ़िया वॉशरूम है, टॉयलेट, सिंक, बाथटब, और ये शूज रैक है, ये स्टोरेज के लिए अपने बैग वैग रखने के लिए जगह है, और ये एक कमरा है सिर्फ, ये इसमें फंक्शनल किचन भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, माइक्रोवेव भी है। अभी देखते हैं कि बर्तन भांडे दिए कि नहीं दिए। ये सोफ़ा कम बेड है, ये छोटा सा ड्रॉअर है, ये भी बर्तन रखने की, वाइन वगैरह रखने की जगह है, छोटी सी वर्किंग डेस्क है, ये मेरा बैग है, टीवी भी है इसमें, एयर कंडीशन भी है, और सबसे बढ़िया, व्हाट अ व्यू गाइस, पूरा समुद्र दिख रहा है, ये देखिए पूरा नीस का व्यू दिख रहा है इससे, बहुत ही अच्छी नेबरहुड है, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में ये ऐसी है, बीच जा सकते हैं आप। आज मैं बहुत थका हुआ था फिर भी एक राउंड मार के आ ही गया। यहाँ आराम से सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अपना ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ और डिनर का जुगाड़ करता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय। ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट, नीस एयरपोर्ट बिल्कुल पास ही लग रहा है, अभी टेक ऑफ किया है इसमें।